हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप अप्रैल के मंथ में फ्री की गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, प्लस अपने गार्डन को सुंदर लुक कैसे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, चाहे प्लास्टिक की बाल्टी हो या टब हो या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो, और कई बार हम इलेक्ट्रिक का सामान लेते हैं तो थर्मोकोल की सीड्स भी निकल जाती हैं, तो फ्रेंड्स काफ़ी यूज़ होता है इन सब चीज़ों का। जो कबाड़ में फेंकने वाली चीज़ें होती हैं, जो हम बस्ती वाले को दे देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम अपने गार्डन को किस तरह से सुंदर बना सकते हैं, वही फ्रेंड्स आज आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैंने टूटी हुई बाल्टी का यूज़ किया है। मेरे घर में टूट गई थी बाल्टी ये, तो मैंने बीच में से कट कर दिया। इस बाल्टी को मिट्टी भर दी और इसमें लगा दी स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग, यानी कि प्लांट भी मेरा फ्री का रेडी हो गया और प्लांटर भी मुझे फ्री का मिल गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मेरे गार्डन के एक कोने में रखा हुआ है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि चलो इसे एक जंगल लुक दिया जाए। तो फ्रेंड्स कुछ गार्डन डेकोर का सामान मेरे पास में पड़ा था, जैसे कि एनिमल्स, स्टोन और इस तरह का कुछ सामान मेरे पास पड़ा था, तो मैंने इस एक कॉर्नर को जंगल लुक दिया है। अगर फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मुझे कोई टू एनिमल्स के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और बताइएगा कि कैसा लगा ये मेरे किया हुआ कबाड़ से जुगाड़। तो फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने ये क्रिएटिविटी की है, कुछ आइडियाज़ लगाया है, तो आप भी इस तरह से अगर आपके घर में छोटा गार्डन है या बड़ा गार्डन है, तो आप भी उस गार्डन का एक कोना इस तरह से सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं हम के कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को हम किस तरह से अपने गार्डन में सजाकर हमारा फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समर स्टार्ट हो गया है और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स तो हमें काफ़ी देखने को मिल जाती हैं और हमारे घर में भी आती हैं, तो हम उन बॉटल्स को फ्रेंड्स फ्री में ऐसे ही कबाड़ी वाले भी नहीं लेके जाते मेरे यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बॉटलों को मैंने हाफ कट करके कलर कर दिया है, और उसके ऊपर जो जैसा कि मुझे डिज़ाइन आती थी मैंने बना ली है। अगर आप भी फ्री के प्लांटर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को कट कीजिए, और उसमें जो प्लांट्स कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाते हैं, जिन प्लांट्स की जड़ें छोटी होती हैं, तो उन प्लांट्स को आप उन कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में लगा सकते हैं और फ्री के प्लांटर बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए बडेलिया की बेल है, जैसे जेट प्लांट की कटिंग मैंने लगा दी है, और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं प्लांट इन बॉटल्स में भी। ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक की हैं तो इनमें प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते। तो यहाँ डेविल बैकबोन की कटिंग्स मैंने रखी हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी करती हैं और हमारा गार्डन काफ़ी डेकोरेटिव भी लगता है इन सब चीज़ों से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने टूटे हुए पर्स का भी यूज़ किया है, इसमें भी मैंने पर्चुला का और पर्सलेन की कटिंग्स लगा दी हैं, जो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स ये प्लांट ग्रोथ करेंगे, और अब इन प्लांट्स का सीजन है तो ये फ्लावरिंग करेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो फ्रेंड्स बेस्ट चीज़ों का वेस्ट यूज आप भी कर सकते हैं इस तरह। तो फ्रेंड्स ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स का आइडिया भी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हार्पिक की बॉटल है फ्रेंड्स, ये भी यूज़ होने के बाद बॉटल्स को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हार्पिक की बॉटल की चिड़िया बनाई गई है और उसको एक प्लांटर लुक देकर प्लांट ग्रो किया गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए गार्डन में न्यू क्रिएटिविटी हम करते हैं, और फ्रेंड्स हम कई बार इन क्रिएटिविटी को करते करते बचपन में भी अपने बचपन को भी याद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इन गार्डनिंग के साथ में फ्रेंड्स हम जब गार्डन में काम करते हैं तो काफ़ी पॉजिटिविटी हमारे साथ रहती है और उससे हमारी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स गार्डन में काम करते करते हम कई बार अपनी जो जीवन की टेंशनें होती हैं उनको भी भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने थर्मोकोल की सीट का यूज़ किया है, जो मेरे गुड्डे गुड्डियाँ हैं फ्रेंड्स, गुड्डा और गुड्डी, उनको मैंने शेड दे दिया है, बारिश से भी इनका बचाव होगा, प्लस धूप से भी थोड़ा थोड़ा बचाव होगा। और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को मैं इस तरह से अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ प्लांटर के रूप में, तो आप भी इस तरह फ्री की गार्डनिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स एक थर्मोकोल की प्लेन शीट मेरे पास में पड़ी थी, और इस शीट का मैंने बहुत ही अच्छा यूज़ किया है मेरे तरीके से, जैसा मुझे यूज़ अच्छा लगा मैंने उसी तरह से किया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने पेंट ले लिया है, जो पेंट मेरे पास में पड़ा था, और मैंने शीट के कॉर्नर में ट्री को बना दिया है, और फ्रेंड्स इसके बाद लिख दिया है शीट पर एज गार्डनिंग विद ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से अपने गार्डन को सजाने के लिए छोटी छोटी क्रिएटिविटी करते रहा करें, ताकि
आप हेल्दी और बेस्ट गार्डनिंग करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप भी इसी तरह हैप्पी एंड हेल्दी गार्डनिंग करते रहें और अपने गार्डन को सजाते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।